400 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत, विकसित, उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रैवल अड्डा में। आज हम आपको दिल्ली के दिल में स्थित लाल किला के लेजर शो के बारे में बताएंगे। हर शाम लाल किले के शानदार दृश्य के सामने लोग इकट्ठा होते हैं ताकि वो इस अलौकिक अनुभव का आनंद ले सकें। लेजर शो में इस्तेमाल रंगीन लाइट्स के साथ लाल किले की दीवारों पर मिलकर बनती एक महत्वपूर्ण इतिहास की छायाएं। ये शो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को रूपांतरित करता है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी का आंदोलन और हमारे देश की समृद्धि की कहानी। ये दृश्यों का एक मजेदार संग्रह है जो लोगों को आपसी संबंधों की मजबूती को याद दिलाता है। इस लेजर शो में दिखाए गए रंग, आवाज और छायाचित्र आपके मन को छू जाएंगे। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा के जिस एक एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। और आपको गर्व महसूस होगा कि आपका देश इतनी सुंदरता और विविधता से भरपूर है। तो दोस्तों आप भी जरूर आइए और दिल्ली के इस रोशनी भरे अलौकिक अनुभव का आनंद उठाइए। लाल किले का लेजर शो आपके लिए एक यादगार और मनोरंजक अनुभव साबित हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। लगी तो हरित क्रांति कर भंडारे भर गए किसान, शक्ति ऊर्जा के पूरण को अंतोड़ गए अपने विद्वान, देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान, हर सीमा पर है डटे खड़े हो बर्फ पहाड़ या रेगिस्तान, जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले, आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले, छुआ चंद्र कभी कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने, भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे। किसी से कम नहीं है, के दार्शनिक मनीषियों गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों साम्राज्यों में। दूसरी तरफ के हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य हजारों बरस पहले
राजा पृथ्वीराज चौहान, वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। आठ बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य नौवे युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं।